ये कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन अलाया ज़िमल बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है। तो गाइस, बस आज के व्लॉग में मैं आपसे यही शेयर करने जा रही हूँ। ये हम लोग अलाया को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सो गाइस, ये हॉस्पिटल हमारे एरिया का द बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के फिजिशंस और स्पेशलिस्ट अवेलेबल है ऑल टाइम। सो और दूसरी रीज़न ये है क्योंकि अलाया ज़िमल इसी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। सो स्टार्टिंग से ही अलाया ज़िमल के जो स्पेशलिस्ट थे वो हम उन्हीं को प्रेफर करते हैं। सो ये हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार शेयर करूँगी कि ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का एक टाइम था जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती, क्योंकि आप जानते ही हैं एक माँ के लिए ये इंतहाई अज़ियतनाक टाइम होता है जब उसके बेबी को कोई भी मसला होता है या किसी भी तरह से वो बीमार होता है। सो माशाल्लाह अलाया ज़िमल सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। तो मैं आपसे अपनी फीलिंग्स मैं वो बयान नहीं कर सकती कि जितना, मतलब जैसे कि अलाया ज़िमल के जैसे वो नीडल लगी हुई थी, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे एक चीज़ थी। और मुझे हर वो लम्हा जब जब अलाया ज़िमल रोती है या तकलीफ़ महसूस करती है तो इस चीज़ को आई नो एवरीबडी नो कि ये चीज़ किस कदर तकलीफ़ देती है ना। तो गाइज़, ये अलाया ज़िमल के वो वेट टिश्यूज़ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अलाया ज़िमल को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ था अलाया ज़िमल को, सो गाइज़ अलाया ज़िमल को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था। तो उसमें ये है कि अलाया को बार बार वॉमिटिंग हो रही थी और लूज़ मोशन का प्रॉब्लम था, इवन के पानी का एक कतरा भी मतलब ठहर नहीं रहा था, और बार बार वो वॉमिटिंग कर रही थी और मोशन कर रही थी। और इस सारे पीरियड में उसको रैशेस का भी इंतहाई स्वेयर टाइप के रैशेस भी हो गए थे। तो बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे थी जो मैंने बियर आउट की थी। सो गाइज़, इसलिए वैसे तो पहले भी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दिनों में उससे भी ज़्यादा हमने चीज़ें करना शुरू कर दी थी। तो सो गाइज़, ये बेबी फीडिंग बॉटल वॉश है, इससे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे मैक्स। तो बस ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, ये स्पेशल फीडिंग बॉटल वॉश है। और बस यही कोशिश की कि हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें वायरल इन्फेक्शन में वायरल होती हैं या उसका होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कभी कभी हाइजीन का प्रॉब्लम होता है तो उस वजह से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो लगातार 3 से 4 दिन हम लोग अलाया ज़िमल को हॉस्पिटल लेके जाते रहे हैं, और ये माशाल्लाह ये ऑलमोस्ट 4th या 5वां दिन है अलाया को, लेकिन मुसलसल उसे ड्रिप्स वगैरह लग रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे। तो यकीन करें, ये जो नीडल थी इसको देख के मेरे दिल को कुछ होता था, इसीलिए मैं अलाया का जो फर्स्ट डे हॉस्पिटलाइज जब वो रही थी तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं ख़ुद को ही बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी। ये माशाल्लाह जब अलाया की कंडीशन इस टाइम पे बहुत बेहतर है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने फिर अलाया को हर तरह से एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। ये अलाया की फेवरेट राइम है, माय लिटिल बेबी नॉट फीलिंग वेल, तो ये अलाया की इंतहाई फेवरेट राइम है, और माशाल्लाह अलाया बहुत खुश हो जाती है। एज़ यू कैन सी अलाया ज़िमल इज़ सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ माय लिटिल एंजल, माशाल्लाह।
तो बस इस दौरान में बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मेरी जान बिल्कुल अटकी हुई है, कि ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है एक माँ के लिए। बहुत मुश्किल होता है ये बर्दाश्त करना जब उसके बेबी को कोई भी तकलीफ़ हो, तो ऐसे ही लगता है कि बस उसकी हर तकलीफ़ वो खुद पे ले ले। तो लेकिन अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं, तो बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर रही थी। और इसके अलावा मैं अलाया को क्या संभालती, मेरी मामा जी हैं माशाल्लाह और मेरी सिस्टर हैं सवेरा, इन्होंने ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ख्याल अलाया का रखा। और ये अलाया के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रिजवान फ्रॉम बाजवा हॉस्पिटल लाहौर। तो यही अलाया के जो चाय स्पेशलिस्ट हैं, इन्हीं से हम अलाया को चेक करवाते हैं। और ये एक लंबा के 3-4 दिनों का प्रिस्क्रिप्शन एक फ़ाइल थी। तो बस आप बस बहुत बहुत दुआ किया करें कि अलाया अजमल बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। वैसे वो पहले से बहुत बेहतर है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दे होती है माँ के लिए। एज़ यू कैन सी गाइज़, देयर इज़ अ लिटल एंजल माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक मेंटेन शेयर।